तो ये गाइस गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूँगा, गुड नाइट हो रही है अभी। तो यार आज का व्लॉग ना लेट नाइट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, ऑफिस का भी, अदर प्रोजेक्ट्स भी और सब अलग अलग चीज़ें। तो चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए अपन चल रहे हैं फोटोशूट के लिए। कुछ थीम सोच रहा हूँ मैं, देखो बाहर फॉग हो रही है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, चलो मैं ही दिखा दूँगा मैं आपको, फॉग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और एक सॉफ्ट बॉक्स इफेक्ट होता है, जैसे आप लाइट लगाते हो ना तो उसमें एक सॉफ्ट बॉक्स लगाते हो कि आपकी जो लाइट्स है वो एकदम शार्प ना पड़े आपके ऊपर, तो वो एक इफेक्ट होता है, तो वो मैं यहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी क्या बनता है और चलते हैं अभी जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम वेस्ट ना करिए मेरा बेबी, मुझे काम बहुत है, आ जाओ। तो यार अभी फ़िलहाल एक लोकेशन मिली थी मुझे, मैं आपको शो करता हूँ क्या लोकेशन है, मतलब अगर आपको मेरे पीछे से दिखाई दे रहा होगा है ना, मस्त एकदम ये लोकेशन है पूरी। और किस तरीके से रिक्रिएट करूँगा वो तो मुझे ढंग से आइडिया नहीं है, पर हाँ ठीक है, ये कुछ चेयर्स हैं यहाँ पे पीछे अगर आपको दिख रही हो, ठीक है इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी क्या बनता है, फिर आपको फोटोज दिखाता हूँ। चलो फिलहाल गाइज अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा पेट पूजा के लिए भी चाहिए होती है सामान चीज़ें, है ना, ऐसे थोड़ी है कि काम करते रहेंगे बस, अभी खाने के लिए कुछ ले लेते हैं यहाँ आगे शॉप पे। भैया क्रीम पड़ी है, क्रीम वो जो अमूल क्रीम वगैरह खाने में मिलते हैं वो नहीं पड़ी, अरे यार शेट यार, अभी तो फ़िलहाल मिली नहीं जो चीज़ें नया था मैं, तो वो भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, अब स्विगी से मंगवाना पड़ेगा बेफालतू में। चलो ठीक है अभी चलते हैं। तो यार अभी फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगा मोमोज वाले भैया की शॉप में जा रहे हैं, अरे उस दिन नहीं दिख रहा था ना बिल्कुल भी, उसके बाद आज बड़े बड़े दिनों बाद धुंध पड़ी, आज तो कस्टमर सारे कोई भी नहीं आज तो ना, कस्टमर बस अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, रश पड़ा था फिर कम हो गया, अच्छा धुंध की वजह से हो रहा ना, धुंध की जो हालात चल रहे हैं, लाइट इतनी कम है खुला है या बंद है सही में, ये अभी ना मेरे को आते हुए यहाँ से मोड़ा मैंने, वहाँ मैंने खड़ी करी, नहीं तो आपको पता मैं यहाँ खड़ी करता, तो इसलिए मैंने वहाँ खड़ी करी, मैंने देख के करा, इंतजाम करना पड़ेगा लाइट का, सही है एमरजेंसी लाइट लगानी पड़ेगी। तो चलो अभी फिर ले लेते हैं सामान मोमोज वगैरह और फिर चलते हैं की तरफ। अच्छा तो यार अभी मस्त एकदम फोटो शूट कर लिया था, मोमोज स्प्रिंग रोल चिकन सूप वगैरह सब ले लिया था, अभी चल रहे ऊपर की तरफ और लेते हैं इसको खाते हैं और शायद सुबह डायरेक्ट मिले आपसे। तो अभी के लिए तो शुभ रात्रि शब्बा खैर पर नॉट गुड बाय, क्योंकि अभी हम सुबह कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, आ जाओ। तो हे गाइस अभी हो गई है सुबह और मैं सोया नहीं था, मैं कुछ काम कर रहा था, मतलब एडिटिंग के ऊपर कुछ काम कर रहा था मैं, और मैं आपको दिखाऊँ कोहरा हो रहा है बहुत गंदा, मैं आपको अगर आप देख पा रहे हैं तो मस्त एकदम तो मस्त कोहरा वगैरह हो रहा है, और बस यार अभी थोड़ा देर सोऊंगा मैं क्योंकि मेरी 9 बजे शिफ्ट है और अभी 7:06 हो रहे थे जब मैंने लास्ट देखा था, 10:15 हो गए होंगे, तो ठंड लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, और जब मैं कमरे से बाहर आया तो मुझे अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर से मतलब पता नहीं था इतना ठंड है। तो अभी जाता हूँ थोड़ा सा एक नैप भी आप कह रहे हो, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर ऑफिस लगाते हैं और आपको बताते हैं, आ जाओ। तो यार अभी फ़िलहाल ऑफिस का हो गया था, जो सॉर्ट आउट होना था ना 31 तारीख को वो हो चुका है, हमारी पोजीशनें चेंज कर दी है, मुझे एक अलग LOB में बोलते हम उसमें भेज दिया है, बोल तो रहे हैं यार कि थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वगैरह ऐसे कुछ हुई है, बट क्या ही कर सकते हैं, मस्त एकदम चलो, बट सुबह सुबह मिली है न्यूज़, थोड़ा सा मूड अजीब सा हो गया था, पर अभी धूप लेने आया था मैं थोड़ा अपना मूड सेट करने, पर चलो यार क्या बोल सकते हैं, ठीक है वहाँ पर काम बढ़िया कर लेंगे और क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा डिमोशन वगैरह तो नहीं हुआ है चलो, बट हाँ वहाँ एक तरह से सैलरी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, बट स्टिल यार आपने पुरानी चीज़ें ना थोड़ी लगती तो है कि पुरानी जगह थे अच्छे थे बढ़िया थे, अभी एक प्रमोशन था वो भी मैंने छोड़ा, अभी वो गुड़गांव के लिए था, सोचा यहाँ पर रुक जाएंगे यहाँ से, प्रमोशन ही बोल लो आप, मतलब थोड़ा सा इंसेंटिव्स वगैरह अच्छे हैं वहाँ पे,
और यहाँ इंसेंटिव्स थे नहीं, वहाँ इंसेंटिव्स है तो पेमेंट अच्छी हो जाएगी। चलो लेट्स सी क्या बनता है, अभी फ़िलहाल तो धूप लेते हैं, थोड़ा मूड को सेट करते हैं, फिर 1 तारीख से काम, 1 तारीख को छुट्टी है वैसे हमारी, तो 2 तारीख से काम करना है, घर से ही करना है, सेम सब कुछ है, लेट्स सी क्या बनता है। अरे तो यार अभी फ़िलहाल ऑफिस ख़त्म हो गया था और इट वॉज मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग कि यार हमारी जो LOBs है वो शिफ्ट कर दी गई, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, कोई रीज़न तो दे नहीं रहे लोग कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, बट बुरा बहुत ज़्यादा लगा जा रहा है क्यों, क्योंकि आई एम द वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय इन दैट पर्टिकुलर सीट, और स्टैट रैंकिंग्स जो एक रैंकिंग्स होती है उसमें भी मैं मतलब काफ़ी अच्छा था, हालांकि मैंने अभी कंप्लेंट रेस करी है इस चीज़ के ऊपर, लेट्स सी क्या बनता है, बट हाँ अगर इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स और समथिंग, जो भी है आई डोंट नो, बट ठीक है इसका एक सोल्यूशन तो निकालेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल यार, आप काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, स्टिल आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाए तो आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू से और आई हैव टू डू, बट हाँ ठीक है, जो मुझे अभी फ़िलहाल ठीक लगा इज दैट कि मैं अपना कंसर्न जो है वो कंपनी के साथ रेस करूँ, लेट्स सी क्या आता है, रिवर्ट क्या आता है। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए न्यू ईयर की स्टार्टिंग यू कैन से, और चलो देखते क्या बनता है, अभी तो फ़िलहाल थोड़ा मूड ऑफ है, तो जिम भी जाना था, जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, लेट्स सी क्या बनता है। चलो तो अभी फ़िलहाल दुख से उभरने के लिए मैं जा रहा हूँ अपना फ़ोटोशूट करने, अभी सोचा था मतलब कि यार कंपनी वालों ने तो धोखा दे दिया, तो अभी अपना काम कर लेते हैं बढ़िया से, और फिलहाल एक स्पॉट देखा था कल आते वक्त, तो उस स्पॉट के लिए थोड़ा सा मतलब माइंड में एक इमेजेस है वो क्लिक करने की कोशिश करेंगे, अभी फ़िलहाल चलते हैं जल्दी से, और सोच रहे हैं कि आज मतलब ऑलमोस्ट न्यू ईयर है तो KFC वगैरह भी देखते हैं, चलो चलते हैं अभी आगे बताते हैं आप। तो अभी फिलहाल KFC के यहाँ पर आ गए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पीछे दिख रहा है आपको, एकदम से मस्त ग्रैंड सी ओपनिंग करी है इन्होंने, आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत ही सही करा है यार इन्होंने, मतलब अभी तो ये बन रहा है, मतलब अगर आप देखो थोड़ा इधर, तो देखो इधर एक बिल्कुल डिफरेंट इमेज है और इधर एक बिल्कुल डिफरेंट इमेज है तो यार मस्त है ये, निर्वाणा के पास ही खुल गया तो इजी फॉर मी टू क्रैप द चिकन, चलो आ जाओ देखते हैं अंदर क्या है। यार ओपनिंग तो बहुत बढ़िया है, देखो जरा एकदम से रेड कार्पेट छोटा सा, और यहाँ से आप अगर मतलब बहुत सा बढ़िया सा लग रहा है मुझे, ये भी आने वाला है नॉकआउट करके कुछ है आप प्रोजेक्ट, अच्छा कुछ है तो, पर बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है फिलहाल मस्त एकदम, अरे डबल डोर स्पेशियस स्पेस है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सही लग रहा है, चलो ऑर्डर कर लेते हैं कुछ। तो यार अभी कुछ ऐसा प्लान मतलब ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि अल्टीमेट सीलिंग पैकेज वो करवा लूँ, और उसी में मैं थोड़ा सा ना मतलब अपग्रेड करवा के जो स्मोकी चिकन है वो ऐड करवा लूँ, विचार तो ऐसा ही है, देखते हैं क्या देते हैं नहीं देते हैं, या फिर अलग से करवाना पड़ेगा, ठीक चेक कर लेते हैं। यार हुआ कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा था अल्टीमेट सेविंग पैक के साथ वो 660 का पड़ता है उसके साथ ना स्मोकी ऐड करवा लूँगा, बट वो 760 का दे रहे हैं सिंगल स्मोकी, मतलब एक स्मोकी लेक 760 का, तो मतलब इतना बड़ा मार्जिन आ जाएगा उसमें, तो वही मतलब सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, जबकि मैं 34 वाले में जाता था तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते थे, सोच रहा हूँ इन
से बात करते हैं, नहीं होता तो 34 ही चलेंगे, अभी वहाँ ज़्यादा बेटर है यार। Six months later. डिसाइड कुछ ऐसा किया है कि अपन ले रहे हैं अल्टीमेट सेविंग पैक, वही मिल रहा है वही लेते हैं, 500 रुपये का तेल फूक के क्यों जाए वहाँ पे। करवा दी है, अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना कैसे खा लूँगा, पर आप शौक हो जाओगे आप, मैं इससे एक और बकेट और एक्स्ट्रा खा सकता हूँ, यू नो गाइस। तो अभी 7 मिनट का वेट करते हैं, अगर 7 मिनट में इन्होंने नहीं किया तो हम जाएंगे लालची की तरह इनसे बोल दें कि भाई आपकी पॉलिसी है कि अगर आप 7 मिनट्स में KFC वाले आपको ऑर्डर नहीं देते हैं तो आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ ले सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो वो ले लेंगे। 22 हो चुके हैं गाइस और ये है 23 के लिए, 23 में मैं इनके पास जाऊंगा धमक के एकदम भाग के एकदम मुंह के शेर की तरह। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, मैं ही जाके बोल देता हूँ भैया अल्टीमेट सेविंग मील देना दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है ऑलरेडी एंड इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 12 मिनट्स। अल्टीमेट वाला बिल है और इस पॉलिसी के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इनसे लेते हैं और फिर आपको बात करते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें पेंडिंग है, वो आ रही है अभी गरम गरम, अभी तक ये खा लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। आपका अंदाज़ा सही निकला, मैं इतना सब कुछ खा नहीं पाया। रीज़न एक और चीज़ का था यार कि थोड़ा सा ना माहौल ठीक, मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब समझ रहे हो, कहीं और आदत है मेरे को मतलब खाने की ना, तो अभी मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा पैक करवा लेता हूँ और घर जाके मस्त मूवी देखते हुए खाऊँगा। अभी चल रहे हैं सीधा फ़ोटोशूट के लिए और उसके बाद चलेंगे घर और खाएँगे अपनी अल्टीमेट मील। चलो आ जाओ। तो यार अभी फ़िलहाल ना आपको मेरा पीछे वाला बैकग्राउंड दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ इस ट्राईपॉड में लगा के क्लिक करूँ, देखता हूँ कि किस तरीके की आती है, मतलब जो एक इमेज बना रहा हूँ वो क्रिएट हो पाती है नहीं हो पाती, वो देख लेते हैं अभी फ़िलहाल और चल जल्दी खींच लेते हैं। तो यार अभी फ़िलहाल मैं आ गया था एक शॉप पे, ये शॉप है, थोड़ा सा सामान लेना था मेरे को रात के लिए, जैसे एडिटिंग वगैरह करता हूँ तब के लिए, अभी फ़िलहाल सामान ले लेते हैं और चलते हैं। वो रहे हमारे अंकल, बड़ी अंकल काम में लगा हुआ तू आज हैं, जिस काम में लगा हुआ तू आज, बस यही हमारा काम है। अच्छा ठीक है लगा रहा है। गाइस मेरी न्यू ईयर पार्टी हो रही है KFC के साथ, थोड़े लेस वगैरह है, फेंटा वगैरह, ये ब्रेड अंदर सुबह पीनट बटर ब्रेड और अंदर जूस भी है रियल वाला, और ये कैमरा है हमारा, हम एडिट करेंगे और यही है गाइस हमारी न्यू ईयर पार्टी, क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए, नए साल के दिन भी काम करेंगे। आपको पता होगा थोड़ा सा ऐसा होता था ना, घर वाले बोलते थे कि पहले दिन में अगर उठ गए अच्छी तरह सो गया पढ़ाई वढ़ाई कर ली पूरे साल पढ़ोगे ऐसा, तो पूरे साल काम करने के लिए आज काम करेंगे बढ़िया से। और आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं हम आपके साथ, और शुभ रात्रि, शब्बा केयर, हैप्पी न्यू ईयर और लव यू गाइस, बाय बाय।